माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सिद्दीक हियर। आज हम फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो टॉपिक है, टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, उसका हम फिफ्थ टेक्निक पढ़ेंगे, दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? इसमें हम बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, जिस तरह के फूड सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ज़िंथोफिल होते हैं, उसको हम सेपरेट करते हैं किसी स्टेशनरी फेज पर। इसको हम इधर डिस्कस करते हैं कि कैसे हम कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी का जो वर्ड है, ये दो अल्फाज से बना है। क्रोमा मीन्स कलर, ग्राफी मीन टू राइट, मीन टू राइट द कलर। टू राइट द कलर मीन्स हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं स्टेशनरी फेज पर, तो जिसको हम कहते हैं टू राइट द कलर मीन्स द सेपरेशन ऑफ कलर्स। सो वी कैन डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एज इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फेजेस। दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, वन इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज एंड अदर वन इज कॉल्ड मोबाइल फेज। अब स्टेशनरी फेज क्या होता है? नाम से जाहिर है, स्टेशनरी फेज जो मूवमेंट ना करता हो, जो अपनी जगह पर साकिन हो। तो ये जो स्टेशनरी फेज है, इस पर जो मूवमेंट होती है वो किस तरह होती है? मूवमेंट आइदर थ्रू कैपिलरी एक्शन और ग्रेविटी, या तो थ्रू कैपिलरी एक्शन इस पर मूवमेंट होता है या फिर ग्रेविटी के जरिए होता है। तो कैपिलरी एक्शन बेसिकली क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू अ स्टेशनरी फेज। ऐसे इट इज बेसिकली अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। तो यहां पर क्या होता है, इसमें कैपिलरी एक्शन में कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपवर्ड मूवमेंट करते हैं विदाउट यूजिंग एनर्जी, इट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। और ग्रेविटी आपको पता है, जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि ये अर्थ जो होता है, ये सारे चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो स्टेशनरी फेज है, इस पर क्या होता है, इस पर मूवमेंट होती है आइदर थ्रू कैपिलरी एक्शन और ग्रेविटी। और यही जो स्टेशनरी फेज है, ये क्या होता है, ये पोरस होता है, ये एक पोरस मटेरियल होता है। और ये जो आपके पास पोरस मटेरियल है, ये लेयर भी हो सकता है, एक लेयर की फॉर्म में भी हो सकता है, और एक जेल या पाउडर भी हो सकता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और जो आपके पास दूसरा फेज है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ये बेसिकली आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये एसीटोन या मोस्ट प्रोबेबली पेट्रोलियम ईथर, जो मैक्सिमम लेबोरेटरियों में ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल होती है, मोबाइल फेज का काम करते हैं। और इसी मोबाइल फेज की प्रॉपर्टी क्या है, ये वोलेटाइल होते हैं। चूंकि ये वोलेटाइल होते हैं, तो ये सेपरेशन भी जल्दी करते हैं और मूवमेंट भी जल्दी करते हैं। ये जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जिसको हम मोबाइल फेज कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी, मतलब मोबाइल फेज के लिए सॉल्युबिलिटी जो है, ये बहुत जरूरी है। जब तक ये मोबाइल फेज जो है, इसमें जो आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर है, जो आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर है, इसका जो है सॉल्युबल होना बहुत जरूरी है। किस चीज में? मोबाइल फेज में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्योंकि जब तक आपके पास कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आपके पास मोबाइल फेज में सॉल्युबल ना हो, उस वक्त तक ये स्टेशनरी फेज पर मूवमेंट नहीं कर सकते। तो सिंपल इज दैट कि क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस इस्तेमाल होते हैं। इसमें कितने फेज इस्तेमाल होते हैं? इधर टू फेजेस में कंप्लीट होता है। वो टू फेजेस कौन कौन से हैं? एक आपके पास स्टेशनरी फेज है, एक आपके पास मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज फॉर एग्जाम्पल ये है, कोई पेज है, इस पर मोबाइल फेज क्या होता है, कोई लिक्विड है, कोई कंपोनेंट ऑफ कोई मिक्सचर है, सैंपल है, उस पर से मूवमेंट करता है, तो हम कहते हैं कि क्या ये मोबाइल फेज है, ये स्टेशनरी फेज पर मूवमेंट कर रहा है। तो टू मेथड्स है क्रोमेटोग्राफी के, वन इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी,
एंड द अदर वन इज कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो नाम से जाहिर है पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमेटोग्राम यूज होता है। अब देखिए ये इसी पेपर क्रोमेटोग्राफी में ये जो पेपर होता है ये एक स्टेशनरी फेज होता है, ये साकिन होता है, ये खुद मूवमेंट नहीं करता बल्कि इसी पर मोबाइल फेज मूवमेंट करता है। स्टेशनरी फेज तो साकिन होता है, इस पर मोबाइल फेज जो होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। जो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ये एसीटोन भी हो सकता है, ये पेट्रोलियम ईथर भी हो सकता है, या कोई इसका मिक्सचर भी हो सक्ता है। अब देखिए इसी स्टेशनरी फेज में आप पेपर को यूज किस तरह की, देखिए ये व्हाइट पेपर आपके पास यूज हुआ है, फिल्टर पेपर आपके पास यूज हुआ है जो कि सेलुलोज से बना होता है, और लेयर ऑफ सिलिका, सिलिका का एक लेयर जो होता है उसको ऐसे लेयर में आप इसको यूज कर सकते हैं, जिस तरह की पेपर जो है आपके पास यूज हुआ है। तो आपके पास ये क्या, ये पूरा आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसी कंटेनर में आपके पास इधर हमने मोबाइल फेस को इस्तेमाल किया, ये आपके पास जो नजर आ रहा है, ये आपके पास जो लिक्विड है बेसिकली ये आपके पास मोबाइल फेस है। सो दिस इज दी यू कैन लेबल इट एज कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मोबाइल फेस है। और आपके पास ये जो पेपर है, ये वाइट स्ट्रिप जो आप इसमें आपको कलर नजर आ रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली क्या है, आपके पास ये स्टेशनरी फेज है क्योंकि ये मूवमेंट नहीं करता। कौन मूवमेंट करता है, इसी पेज पर ये मोबाइल फेज मूवमेंट करता है। अब देखिए आपने एक फिल्टर पेपर लिया है या वॉट्समैन पेपर आपने लिया है, अब इसी पेपर को आपने जो एक स्टेशनरी फेज है, इधर जो आपके पास मोबाइल फेज है, कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपके पास है, इसमें ये पेज जो है आपने क्या किया है, इसमें डिप किया है। आपके पास एग्जांपल है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एग्जांपल एक मिक्सचर है, इसमें कंपोनेंट्स होते हैं लेकिन एक मिक्सचर है, इसी मिक्सचर को आप ड्रॉप करते हैं इसी पेपर पर, इसी क्रोमेटोग्राम पेपर पर या वॉट्समैन पेपर पर या फिल्टर पेपर पर आप इधर इसको ड्रॉप करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि कहीं ये मिक्सचर जो है इसी मोबाइल फेस के साथ मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि फिर ये तो इसमें सॉल्युबल है, इसका ऊपर जाना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको डिस्टेंस में इसी मोबाइल फेस से इसको रखना है। अब जब आप इसी मिक्सचर को इधर ड्रॉप कर जाते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये जो आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ये इसी पेपर में कैपिलरी एक्शन के नतीजे में ऊपर मूवमेंट करना शुरू कर जाएगा। कैपिलरी मूवमेंट मैंने बता दिया, अपवर्ड मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनर्जी, ये पैसिवली होता है। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये किधर पहुंच जाते हैं, इसी मिक्सचर को कवर कर देते हैं, यहाँ तक पहुंच जाते हैं। फिर इसके बाद फिर क्या हो जाता है, मिक्सचर इसी मोबाइल फेज में जो कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इसमें आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करता है। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोनेंट्स है, कॉम्पोनेंट्स फॉर एग्जाम्पल ये आपने कोई फूड सिंथेटिक पिगमेंट फॉर एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ग्रीन पिगमेंट है, एक आपके पास रेड पिगमेंट है, ये कैरोटीनॉइड है फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई क्लोरोफिल है। अब देखें यहाँ पर मैंने लिखा है कि मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, मूवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उतना मूवमेंट कम होगा, और जितना मॉलिक्यूलर मास कम होगा उतना मूवमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए इसमें आपको जो रेड नजर आ रहा है जो ऊपर जा रहा है कैपिलरी एक्शन की मदद से ये स्लो है, और ये जो आपके पास ग्रीन है इसने डिस्टेंस ज्यादा तय किया है, इसका मतलब ये है कि इसी ग्रीन का मॉलिक्यूलर मास कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या ज्यादा है, दैट्स व्हाई जो है ये क्या कर रहे हैं, ये पीछे रह गया है और ये फास्टर मूवमेंट कर रहा है, क्योंकि ये जो आपके पास ये वाला आपके पास है रेड, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। इसके लिए जो इसी पेपर में फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं, इसके अंदर जो पोर्स होते हैं, ठीक है, वो पोर्स जो होते हैं उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, इसमें इसने आसानी से ये नहीं जा सकता, बल्कि
जिसके मन के अंदर माल है फॉर एग्जाम्पल, वो इसमें से आसानी से पास हो सकता है, तेजी के साथ जा रहा है क्योंकि इसका मास कम है। तो इस तरीके से आपने पास फिल्टर पेपर पर किया हो गए, आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर सेपरेट हो गए, एक रेड है और एक ग्रीन है। चूंकि इसमें हमने स्टेशनरी फेस पेपर को यूज किया है फिल्टर पेपर को, और आपके पास जो मोबाइल फेस है आपके पास ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसने मिक्सचर के साथ मिलकर क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, इसके कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेपर क्रोमैटोग्राफी। और सेकंड जो आपके पास है कॉलम क्रोमैटोग्राफी, इसमें एक ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं, आपके पास एक ट्यूब है जिसमें आप जेल या पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जेल और पाउडर का आप इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो जेल और पाउडर जो होते हैं जब इसको हम इसी ट्यूब के अंदर फिट करते हैं तो ये कॉलम की शक्ल अडॉप्ट कर जाते हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉलम क्रोमैटोग्राफी। अब देखें इसमें जो पाउडर है स्पेशली ये सिलिका जेल भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एलुमिना भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सेलुलोज के पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए स्टेशनरी फेज। तो आपके पास ये बेसिकली आपके पास क्या, आपके पास ये स्टेशनरी फेज है, स्टेशनरी फेज। अब इसके अंदर मोबाइल फेज तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को, इसमें एक ये मिक्सचर है फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मिक्सचर जो आपने इधर डाला है ये बेसिकली आपके पास कुछ रेड और ग्रीन का मिक्सचर है। इसी मिक्सचर को आप सबसे पहले उसी एक सैंपल है उसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर जाते हैं, फिर इधर आप इसको छोड़ जाते हैं। किस पर छोड़ जाते हैं आप इसको, इस पर, क्योंकि इसमें जो पाउडर है जो कॉलम की शक्ल में है, क्योंकि इसमें पोर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था कि जो आपके पास स्टेशनरी फेज है ये एक पोरस मटेरियल होता है, क्योंकि पोर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ये इस पर जो मिक्सचर है वो कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं हो सकता, ये लेयर की फॉर्म में भी हो सकता है और ये आपके पास जेल या पाउडर की फॉर्म में भी हो सकता है। अब देखिए जब ये थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रे करते हैं तो आपके पास देखें ये ग्रीन जो होता है ये रेड से सेपरेट हो जाता है, और ग्रीन का डिस्टेंस ज्यादा है बनिस्बत रेड का, क्यों, क्योंकि इसी का मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसने ज्यादा फासला तय किया, इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो इसकी मूवमेंट कम है, क्योंकि मूवमेंट जो है ये मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखें आगे जो ये आगे जाते हैं टाइम के साथ साथ देखिए इधर ये सेपरेट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ग्रीन को रेड से सेपरेट करना है तो इधर आप इसके लिए कोई बिगर वगैरह इसके लिए रख दे, आप इसके लिए कोई बिगर वगैरह रखते हैं तो फिर क्या हो जाता है ये ग्रीन इसमें गिर जाता है, फिर आप इधर स्टॉपर लगा होता है, स्टॉपर को आप क्या करें क्लोज कर लें, फिर आपके पास ये रेड इधर आ जाएगा, फिर रेड के लिए कोई एक और बिगर ले ले तो आपके पास रेड इसमें गिर जाएगा। इस तरीके से आपने जो ये कॉम्पोनेंट्स है इसी मिक्सचर के इसको आपने सेपरेट किया इन द फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमैटोग्राफी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉलम क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी की इम्पॉर्टेंस क्या है, बेसिकली इसकी इम्पॉर्टेंस ये है कि आप किसी भी मिक्सचर का फॉर एग्जांपल पेपर क्रोमैटोग्राफी में आपने शुगर को अमीनो एसिड को या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को आपने सेपरेट करना है तो आप एक मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं आपके ब्लड में कोई निकोटीन वगैरह हो इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यूरिन के प्रॉब्लम के लिए भी उसको टेस्ट करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है ये प्रोसेस, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्रोमैटोग्राफी की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर फिर भी आप कहीं पर कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।